नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। चुनावी सरगर्मी तेज है और सिटी पोस्ट लाइव की जो सफर है वो पहुंच गई है वैशाली लोकसभा क्षेत्र में और मेरे साथ हैं दिनेश सिंह जी, जेडीयू के नेता हैं, एमएलसी हैं और इनकी धर्मपत्नी वीणा देवी जी लोजपा से चुनाव लड़ रही हैं वैशाली लोकसभा सीट से। कैसी तैयारी है और कितनी चुनौती है, क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह सामने हैं चुनौती देने के लिए, तो इनसे बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और कितनी चुनौती है, कितना चुनौती मानते हैं आप रघुवंश प्रसाद सिंह को? हमको तो कोई चुनौती नहीं बुझा रहा है, कोई चुनौती नहीं ना। किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं आप क्षेत्र में? सारा मुद्दा ही मुद्दा है क्षेत्र में। हम लोग को क्षेत्र का विकास होगा, स्थानीय हम हैं, अवेलेबल 24 घंटा पब्लिक के बीच में रहेंगे, 24 घंटा पब्लिक से संवाद है। ऐसे भी मैं जब से यहाँ पर हूँ सुबह से लेकर के और रात के 12 बजे के या 4 बजे भोर में भी कोई हमको फ़ोन अगर करता है तो पब्लिक के लिए मैं अवेलेबल रहता हूँ, पब्लिक का मैं काम करता हूँ। वो बात ठीक है, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह एक मजबूत दावेदार, आरजेडी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, सांसद भी रह चुके हैं, तो रह चुके हैं तो पिछले बार तो कद्दावर थे, तो रामा सिंह से जो है सो 1,15,000 की 20,000 वोट से हार गए, 2,00,000 वोट पर समिट गए। तो इस बार तो 17,00,000 पार्लियामेंट में है, एक पार्लियामेंट में वोट है, तो पिछले बार तो 2,00,000 वोट में समिट गए, तो कद्दावर कितने हैं तो वोट बताता है, पब्लिक बताती है, पब्लिक ने उनको बता दिया। जब उन्होंने 19 साल तक सांसद रहे, 2 बार 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे और उसके बाद जनता 2,00,000 वोट पर समेट दिया। अगर वो अच्छा काम करते, जनता के बीच में रहते, जनता का सेवा करते, जनता से रूबरू होते रहते, उसकी सारी समस्या अगर सुलझाते रहते तो फिर 2,00,000 वोट पर क्यों समेट गए? जबकि आरजेडी का अपना वोट भी है, उसके बाद 2,00,000 वोट पर समिट गए। उस पिछली बार जो खड़ा थे उसमें अनु शुक्ला खड़ा थी, तो वो भी 1,25,000 वोट जो काटी वो तो एनडीए का वोट काटी। विजय सहनी जो जदयू से थे, जो हमारे नीतीश कुमार के पार्टी से थे, हम लोग के पार्टी से थे, वो भी 1,50,000 वोट जो काटे वो एनडीए के काटे। आज नीतीश जी हम लोग के साथ हैं और वो 2,00,000 वोट पर समिट गए। तो जनता अगर उनसे खुश रहती, 20 साल का काम सेवा से उनसे रूबहू रहती, जनता की समस्या सुनते, जनता को जो क्षेत्र की जनता है वो नहीं चाहती है कि हमारे क्षेत्र में आज जो है सो स्वर्ग बन जाए, लेकिन जनता को छोटी छोटी समस्या रहती है, छोटी छोटी उसका पैरवी रहता है, पंचायत से लेकर के ब्लॉक से लेकर बहुत कम जनता है जिसको जिला लेवल पर पैरवी की जरूरत पड़ती है, मैक्सिमम को अपना छोटा छोटा जरूरत पड़ती है, जिसको उन्होंने दरकिनार किया, जनता से कटे रहे, लोगों को डांट देते थे, भगा देते थे, जिसका परिणाम हुआ। वो बात ठीक है आपकी, लेकिन जो मोदी सरकार है केंद्र में उसको लेकर के विपक्ष दावा कर रही है कि बहुत एंटी इनकमेंसी है, नोटबंदी हुआ उसके बाद सरकार रोजगार का मुद्दा। मान लीजिए कि आप क्षेत्र में खुद घूम के सर्वे कर लीजिए, पूरा बिहार में 3-3 गो टीवी जो है सो एबीपी कौन कौन टीवी सब सर्वे किया है और सर्वे करके 36 सीट बिहार में दे रहा है, हमको तो लगता है कि 40 सीट जीतेगी एनडीए। तो आप ही लोग सर्वे कर रहे हैं और 36 सीट दे रहे हैं एनडीए को, तो फिर नोटबंदी से जनता को कहाँ तकलीफ है? नोटबंदी से जनता को क्या तकलीफ है? लोग अभी देश देख रहा है, देश रहेगा तो हम और आप रहेंगे, और देश को बचाने के लिए, देश को रखने के लिए मोदी की ज़रूरत है। जनता साहब तो यही बोल रही है अभी कि हम किसी को वोट नहीं दे रहे हैं, हम मोदी को वोट दे रहे हैं, हमको मोदी चाहिए। वैशाली में भी मोदी फैक्टर ही चलेगा? हाँ बिल्कुल, मोदी फैक्टर भी चलेगा। और जो लोग 20-20 साल तक लगातार प्रतिनिधित्व किए वो वैशाली के लिए कुछ नहीं किए, वैशाली के जनता के लिए कुछ नहीं किए, वैशाली की जनता से रूबरू नहीं हुए, वैशाली का जनता का दुख सुख में भाग नहीं लिए, ये भी फैक्टर है। मतलब लोकल फैक्टर और नेशनल फैक्टर मिला के आप रघुवंश प्रसाद को टक्कर देंगे? टक्कर कहाँ देंगे, यहाँ टक्कर कहाँ है, यहाँ कोई टक्कर उकर नहीं है, एक तरफा है, एक तरफा है। आप सर्वे कीजिए घूम के क्षेत्र में। नीतीश कुमार साथ हैं नरेंद्र मोदी के, भाजपा के, कितना फायदा मिलेगा इसका? बहुत फायदा मिलेगा, ये तो वोट जोड़ करके देख लीजिए। नीतीश जी अलग लड़े थे, भाजपा अलग लड़ी थी,
तो भी भाजपा 1 लाख वोट से जीती थी, नीतीश जी को 1,45,000 वोट आया था। ये तो सीधा गणित है कि नीतीश कुमार, भाजपा और लोजपा तीनों अगर एक साथ है तो बहुतों का अंतर आएगा। उधर का जो महागठबंधन है उसमें कोई दम नहीं है, वो तो कुछ वोट है जो आप भी जान रहे हैं उसी में समिट के रह जाना है, कुछ पार्टिकुलर वोट है जिसमें समिट के रह जाना है। जो इससे पहले सांसद थे, मतलब इस चुनाव से पहले रामा सिंह सांसद थे, कहा यह जा रहा है कि उनके काम से खुश नहीं थे चिराग पासवान, इसलिए उन्होंने प्रत्याशी बदल दी, तो इसका निगेटिव फैक्टर तो मिलेगा ना? से खुश नहीं थे, रामा सिंह के साथ बहुत सा फैक्टर आ गया। रामा सिंह तो 5 साल के पीरियड में उन पर केस मुकदमा था, वो कागज पत्र लेकर के जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उसके पीछे पड़ गए, तो वो 2.5 साल तक तो जेले में रह गए। उसके बाद उनके साथ कुछ पारिवारिक घटना हो गई, इसलिए जनता से वो भी कट गए। और जनता से कटने के बाद ये तो शीर्ष नेता लोग, हर पार्टी में बहुत लोगों का टिकट कटती है और नए लोगों को मौका मिलता है, हर पार्टी में। ऐसा नहीं है कि राजद में नहीं करता है, महागठबंधन में नहीं करता है, हर पार्टी में कुछ लोगों का टिकट कटता है और नए लोगों को टिकट मिलता है। ये तो नेता लोग जाने किस कारण से काटता है और नए लोगों को देता है, इस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। चिराग पासवान को बिहार की राजनीति में कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि उनका एक अलग तरीके का पॉलिटिकल स्टाइल देखने को मिलता है, अमूमन बिहार की राजनीति में ऐसे ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स देखने को नहीं मिला है। वो तो अभी यूथ लीडर है, कल का भविष्य है बिहार का, देश का आने वाला दिन में कल का भविष्य है, वो अभी तो यंग है। लेकिन जिस उम्र में उनको जो देखने को टीवी के माध्यम से, चाहे ऐसे जो उनका बात हम सुनते हैं, इतने कम उम्र में बहुत कम लीडर होंगे जो इतने आगे बढ़ेंगे और इतनी अच्छी सोच होगी। लेकिन बाकी बात आपकी ठीक है, मैं फिर वही सवाल एक बार दोहरा रहा हूं कि महागठबंधन एक तरीके से देखिए 8 से 10 दल साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, उन आप 3 दल हैं सिर्फ, तो एक आप चुनौती क्यों नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल भी चुनौती नहीं है। अरे भाई आप देखे ना कि एक नीतीश कुमार असेंबली में चले गए लालू जी के साथ, तो हर जगह उसके बावजूद भी कोई ऐसा असेंबली नहीं था जहां भारतीय जनता पार्टी को और रामविलास पासवान जी को LJP को साथ लड़े थे, और एक नीतीश जी केवल चले गए थे लालू जी के साथ, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को नीतीश जी साथ नहीं थे। कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जो हारने के बाद भी जो उनका उम्मीदवार हारा था असेंबली में उसको 70,000, 65,000 से कम वोट आया, कहीं 2,000 से, कहीं 1,500 से, कहीं 4,000 से, कहीं 3,000 से, तब हारा जब नीतीश जी लालू जी के साथ थे। अब तो इधर चले आए, असेंबली का वोट जोड़ लीजिए, नीतीश जी का वोट जोड़ लीजिए, तो देख लीजिए कि बैलेंस कहाँ चला जाता है। बिहार में किसका किसके काम का ज़्यादा असर है, नीतीश कुमार के या नरेंद्र मोदी का? काम का तो असर नीतीश कुमार का भी है और नरेंद्र मोदी का भी है, बिहार में दोनों आदमी के काम का असर है। लेकिन नेशनल देश के लेवल पर कि हमारा देश रहेगा तब रहेंगे, उस पर जो है सो लोग मोदी जी का नाम लेते हैं, लेकिन विकास के मामले में दोनों आदमी का है। मतलब एयर स्ट्राइक का जो मुद्दा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हुई, वो ज़्यादा मोदी जी का है। अब विकास के ऊपर नीतीश जी का भी है और केंद्र से मोदी जी का भी है, दोनों ने मिल करके विकास किए हैं, दोनों आदमी का इसमें जनता खुश है दोनों आदमी के काम से। एक आखिरी सवाल है मेरा कि अगर बिहार की राजनीति की बात की जाए और तो जातीय समीकरण को नकारा नहीं जा सकता, वैशाली में कैसे इसको संभालें? जातीय कोई समीकरण नहीं है, एकदम एक तरफ से नीतीश कुमार और मोदी जी का लहर है, नीतीश कुमार का काम पर और मोदी जी के काम पर एक तरफा लहर है, कोई जाति पाति नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।